क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? मॉरिशन पुलिस फोर्स डायरेक्टर के परेशान कास्टिंग की वजह से क्या दाम बढ़ गए थे मोगैम्बो के। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त उशी आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीग्रैट स्टूडियोज में। मोगैम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग सुनने के बाद सामने आते हैं अमरीश पुरी जी, उनकी भारी आवाज और उनका खतरनाक अंदाज। पर कभी आपने सोचा है कि हीरो की तरह ही एक विलन की भी कोई कहानी हो सकती है? जी हाँ, इस मोगैम्बो की भी एक कहानी है असल वाली। सुनना चाहते हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये डायलॉग है फिल्म मिस्टर इंडिया का, जिसने सदियों तक ऑडियंस के दिल पर राज किया और अब इसी फिल्म का पार्ट टू बनने की तैयारी अली अब्बास जफर कर रहे हैं। मतलब मिस्टर इंडिया की कार्बन कॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनल कॉपी हमें देखने को मिलेगी बॉलीवुड स्टाइल में। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा सेट बनाया जाएगा। वैसे अब मोगैम्बो की बात की है तो मतलब सीक्वल का भी तो कोई सुपर विलन होगा ही, वो कौन होगा ये तो बड़ा सरप्राइज है। पर खैर, अभी के लिए तो हम मोगैम्बो पर ही फोकस करते हैं। मोगैम्बो का किरदार अमरीश पुरी जी ने काफी अच्छी तरह से निभाया था और वो इंडियन सिनेमा के टॉप विलन बन गए। उस जमाने में प्राण और अमजद खान जैसे दो तीन खलनायकों का ही राज था, पर अमरीश पुरी ने अपनी जगह बना ही ली। पर पहले वो इस किरदार के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। इससे पहले किसी दूसरे को रोल ऑफर हुआ था, पर बोनी कपूर ने उन्हें समझाया और वादे के अनुसार उनसे स्क्रिप्ट पर बात की। ये विलन हिस्ट्री क्रिएट करेगा, ऐसा कहा। फिर अमरीश जी ने उनकी बात मानी और उनका विश्वास रखा और राजी हो गए। अगर अमरीश पुरी जी मानते नहीं तो डायरेक्टर शेखर कपूर तो परेशान हो ही चुके थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर अमरीश पुरी ना करेंगे तो किसको कास्ट करें। उस रोल के लिए कई ऑडिशंस लिए गए पर उनमें से कोई भी उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो घबरा रहे थे। पर फाइनली मोगैम्बो फाइनलाइज हुआ। फिर अमरीश जी ने अपने रोल को पूरी जस्टिस दी और उसके बाद उनके सामने लग गई लंबी लाइन विलन्स के रोल की और उसके साथ साथ बढ़ गए उनके दाम। जी हाँ, उस वक्त दो तीन खलनायक 2.5-2.5 लाख फीस लेते थे और अमरीश जी का दाम काफी कम था, पर मोगैम्बो ने जो छड़ी घुमाई उसके बाद तो उनकी लॉटरी ही लग गई। वैसे देखा आपने, ये होती है पर्दे के पीछे की कहानी। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी और आप सुपर विलन के अवतार में किसे देखना चाहते हैं, हमें कमेंट पर जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और ऐसी ही कुछ चटपटी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।